आप देखो जैसे ये मिर्ची का बगान है, ठीक है, ये मिर्ची आप देख सकते हो, ठीक है, आपको कमेंट करना है कि ये कौन से वैरायटी की मिर्ची है। ठीक, सामने आपको जो है झींगा का भी अलान दिखेगा आपको, ठीक है, बैंगन के पौधे भी बीच बीच में आपको दिखेंगे, जैसे सामने ये बैंगन का पौधा है आप देख सकते हो, ठीक है, और इसके बीच में, इस खेत के बीच में आपको अलग अलग तरह के पौधे भी मिलेंगे और बीच बीच में आपको राहर के बहुवर्षीय पौधे मिलेंगे, ऐसे पौधे जो 3 से 4 साल पुराने पौधे हैं, और इनमें देखो फ्लावरिंग भी जो होगी वो एक बार नहीं होती है, कई बार होती है। तो सवाल ये आपका रहेगा कि क्या अरहर के पौधे के लिए अलग से कुछ करना पड़ता है इस फार्म में, तो हम बात करते हैं, देखते हैं क्या बताते हैं। अच्छा भैया हमरा ये बताबो, ये तो ठीक राहर जो लगेने छो मरचा खेतों में, तो एक तोरा अलग से कुछ खर्चा कर दिया पड़े कि राहर ले, तो फिर एक सुंदर ग्रोथ केना छे पौधा मना एक कहे के मतलब ये तो एकरा में खादो नहीं दे रहा छो, पानी उनी भी नहीं दिलो, लेकिन इतना सुंदर खेत छे कहीं एहनो तो नहीं मरचा वाला खेती कर लो ओकरा से कुछ फायदा होय छे? बरसात के मौसम से पानी ये स्वतः ले रहा है बरसात। अच्छा मना एकरा अलग से पानी दे के जरूरत नहीं पड़े छे? अभी नहीं पड़े। मतलब यदि हम इसको मिर्ची के खेत में या बैंगन के खेत में बीच बीच में इस तरह से जो है छोड़ छोड़ के अरहर लगाएंगे तो फिर जो है वो काफी अच्छा रहेगा नहीं? अच्छा तो इसके लिए अलग से पानी की ज़रूरत नहीं है, आपने सुना ही, अलग से फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मिर्ची में ऑलरेडी हम इतने सारे मिर्ची में बहुत खर्च करा पड़े हो कि स्प्रे करना पड़ता है, स्प्रे करना पड़ता है, खाद भी देना पड़ता होगा, पानी भी इसको चाहिए, अच्छा खेत में जो है मतलब खेत को कड़वाना भी पड़ता है, मिट्टी को जो है इसकी जुताई तो नहीं कर सकते इतने सघन, आप जानते हो कि मिर्ची के खेत में जुताई ट्रैक्टर से नहीं हो सकती, तो उसके लिए जो है मजदूर लगाना होता है ताकि जो है वो, या फिर जो है खुद से आपको मिर्ची के खेतों की सफाई करनी होगी, और सफाई के बाद जो हम मिर्ची को जो न्यूट्रिएंट्स देंगे, वाटर देंगे, उनसे इनका कहना है कि अरहर का जो है मतलब उसी से न्यूट्रिएंट ले लेगा। और आप जानते हो अरहर के विज्ञान की बात यदि आप करोगे तो ये एक ऐसा पौधा है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, छाया वाली जगह नहीं चाहिए इसको, इसको खुली जगह चाहिए। जैसे आपको एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ फिर बात करूँगा, ये देखो ये कितना बड़ा पौधा है, ठीक है, जैसे अभी देखो आप इसमें फ्लावरिंग हो रही है, ठीक है, अभी फ्लावरिंग होगी, सर्टेन मंथ्स के बाद जो है आपको मैं बताऊंगा इसका स्टेप वाइज सब कुछ बताऊंगा, फली बनेगी, और हमारे यहाँ जो है ना इसकी पकी हुई फली का जो बीज होता है वो दाल के रूप में खाया जाता है, और ये हमारे यहाँ जैसे आम में आमों का राजा मालदा है, वैसे ये दाल का राजा जो है अरहर है, जिसको हमारे गाँव में लोकली बोला जाता है राहर दाल का पौधा, ठीक है। अच्छा अब जरा इनसे एक बार हम पूछते हैं कि क्या ये अरहर दाल का पौधा जो है एक ही बार फलता है साल में, और कब कब फलता है जरा बात करते हैं। अच्छा जैसे ये अरहर का पौधा जो आप लगाए हैं तो साल में एक बार ही फलता है या अलग अलग टाइम में दो बार फल जाता है? कई बार दो बार फलता है, जैसे अभी जो है इसमें फूल आया है तो कब बीज तैयार हो जाएगा इसका? ये भरपूस अंतिम माने 4-5 माह का ये फल टूट जाएगा। अच्छा माघ के पहले सप्ताह में जो है इसकी फसल तैयार हो जाएगी, उसके बाद हाँ कचर के फिर फट जाएगा, मतलब होली के टाइम में फिर से फूल देगा इसमें? होली के टाइम में फट जाएगा, फट जाएगा। अच्छा देखिए ये साल में दो बार फलने वाला जो है अरहर दाल का पौधा, अच्छा एकरा कौन वैरायटी कौन छी एरा किनिक लानर हो की वैरायटी का पता नहीं है? देखिए ये जो है ऐसा अरहर दाल का पौधा है, मैं आपको वैरायटी भी बताऊंगा, बस बने रहिए आप चैनल के साथ और हमारा उत्साह वर्धन करते रहिए। भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बताएं और ऐसे ही बने रहेंगे इनके साथ ताकि जो है इनकी बहुत अच्छी खेती होती है, यहाँ मिर्ची वगैरह लगाते हैं, ये झींगा झिंगली इस तरह की चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, बैंगन मिल जाएगी, मिर्ची मिल जाती है, तो और उसमें इतनी सुंदर जो है फसल अरहर की है कि मतलब आप यदि सामने से देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक सवाल आप लोगों के मन में अभी भी होगा, यदि मदरौनी गाँव बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो फिर इतनी अच्छी अरहर की खेती कैसे है? तो देखो पूरा गांव तो नहीं डूबा होता है ना, ये ऐसा टीला है जो महंत बाबा स्थान के पीछे का टीला है, ठीक है, और यहाँ चूंकि ऐसी जगह है जिसमें जल्दी पानी नहीं आता है, पिछले साल बाढ़ का पानी 2021 में हमारे गांव में इस खेत में भी आ गया था, इस बार नहीं है, और इसकी फसल जो है आप देख सकते हो। तो ऐसे ही आपको जो अलग अलग जानकारी देते रहेंगे, आपका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे, और आपको यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें। नए हैं यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें,
थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।